इंट्रोडक्शन टू DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, क्लास 10th IIT IITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज अंडर NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इंट्रोडक्शन। डाटाबेस एंड डाटाबेस सिस्टम्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डाटाबेस और डाटाबेस सिस्टम जो है वो हमारे लाइफ का एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी हैव बीन इंटरेक्टिव विद डाटाबेस सेंस लॉन्ग टाइम। हम डाटाबेस के साथ में काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिमेंबर, आप लोगों को याद है, लुकिंग फॉर ए वर्ड इन ए डिक्शनरी और फाइंडिंग टेलीफोन नंबर ऑफ ए फ्रेंड फ्रॉम द टेलीफोन डायरेक्टरी। आप लोगों को याद है, आप डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड को सर्च करते थे या टेलीफोन डायरेक्टरी में किसी फ्रेंड का नंबर सर्च करते थे, तो वो क्या होता था, हमारे मैनुअल सर्च करते थे हम बुक के अंदर। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांस आया है उस कारण जो है हमारा डाटाबेस को हमने कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब डाटाबेस को कंप्यूटराइज करने के बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट कर रहे हैं डाटा को और मैनेज द डाटाबेस। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं एक ऑर्डर के अंदर, उसके बाद हमें प्रोसेस करने के बाद में हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलती है, यानी डाटा प्लस प्रोसेसिंग इक्वल टू इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। द रॉ फैक्ट इन कॉन्स्टिट्यूट्स डाटा। रॉ फैक्ट जो है वो हमारे उसके अंदर क्या होता है, हमारा डाटा होता है। द फैक्ट मे बी रिलेटेड, द फैक्ट जो होता है वो रिलेटेड हो सकता है किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एक्टिविटी और थिंग्स। इट मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। डाटा जो है या हमारा जो रॉ है, रॉ फैक्ट जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ग्राफिक्स के अंदर हो सकता है, यानी वो पिक्चर्स वगैरह हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकता है, ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में हमारा डाटा जो है स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस की जाती है और ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा का ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी डाटा को अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले आएंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इन्फॉर्मेशन। इफ़ डाटा इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, अगर हमारा डाटा जो है वो करेक्ट नहीं है या एक्यूरेट नहीं है, द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड बाई प्रोसेसिंग, तो इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेंड होगी उससे वो भी हमारी गलत रहेगी। डाटाबेस एंड DBMS। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम्स स्टोर्ड इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डाटाबेस जो है वो लॉजिकल रिलेटेड डाटा आइटम्स को स्टोर करता है इन्हें ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, मार्क्स, सिटी, एज। हमारे पास नाम है राजू, आर्ट्स, 92 मार्क्स, चेन्नई सिटी। लास्ट में सुरेंद्र, हिस्ट्री, 96, पुणे, 28 नंबर। ये डाटा को हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्टोर किया है। अब नेम के अंदर नेम आ रहे हैं, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आ रहे हैं, मार्क्स के अंदर उसके मार्क्स और एज के अंदर उसके एज जो है वो हमने डाली हुई है। द इंफॉर्मेशन बींग स्टोर्ड इन डाटाबेस, द इंफॉर्मेशन जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर की जाती है। एड, डाटाबेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, अगर उसके अंदर कोई हमने चेंज करना है तो इसका मतलब मॉडिफाई किया हमने उसको, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं चाहिए या गलत डाल दी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और फाइनली जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, जितने भी रिकॉर्ड हमने डाले हैं उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डाटाबेस एंड DBMS। द सॉफ्टवेयर डेट इज यूज टू क्रिएट, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए, यानी बनाने के लिए डाटाबेस को, अपडेट करने के लिए, एंड रिट्राइव डाटा इज नोन एज DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिट्राइव मतलब होता है उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को लेना, उससे इन्फॉर्मेशन को लेना। अगर हमने कोई डाटाबेस के अंदर स्टोर किए हुए हैं, मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा है, उसमें मैंने राम नाम के स्टूडेंट को सर्च करना है, तो रिट्राइव नहीं, निकालना है, तो मैं रिट्राइव हो गया।
डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करके हम डाटाबेस को DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ DBMS हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, DBMS के फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, क्योंकि DBMS में क्या है, जितना भी डाटा हमने स्टोर किया है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर स्टोर किया हुआ है। द डाटा इन द डाटाबेस इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो डेट रिट्राइवल ऑफ द रिक्वायर्ड डाटा इज फास्ट एंड एक्यूरेट। किसी भी डाटा को अगर रिट्राइव करना है, निकालना है, तो वो ईजिली फास्ट और एक्यूरेट जो है उसको हम सर्च और उसको रिट्राइव कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, डाटा एनालाइज। सबसे ज़्यादा फायदा DBMS का है, हम किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। डाटा बेस हेल्प इन एनालाइज ऑफ डाटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हम उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एवरेज और मीन यूजिंग ए डाटा बेस। विद द हेल्प ऑफ डाटा बेस जो है हम आसानी से किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में हमें चेक करना है 10, 20, 30 हमारे पास डिपार्टमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, 10, 20, 30 गए, तो हम एकदम उसको सर्च कर सकते हैं। या हम नाम से सर्च करना चाहते हैं कि एलन जो है वो कहाँ है, तो एलन का रिकॉर्ड जो है एक साथ उसको एनालाइज या निकाल सकते हैं इसको। डाटा शेयरिंग विद द सेम डाटा इज सेट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन देन द डाटाबेस कैन बी शेयर्ड विद अदर एप्लीकेशन। अगर हमें सेम डाटा जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है तो हम डाटा को शेयर कर लेते हैं। हेंस यूजिंग ए डाटाबेस मींस मेकिंग वंस एंड यूजिंग इट रिपीटेडली फॉर मैनी। इसका मतलब क्या हुआ कि डाटाबेस को एक बार क्रिएट किया और उसको नंबर ऑफ टाइम्स हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर क्या है, आपका रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड क्या है, क्लास टीचर को पता है, इंचार्ज को पता है, प्रिंसिपल को पता है और आपके सब्जेक्ट टीचर को पता है। तो उसके अंदर क्या है, आपका नेम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी को चाहिए। तो उसको एक टेबल में शेयर किया जाए ताकि सभी जो उसको एक साथ यूज़ करें, यानी कि क्रिएट वंस, एक बार बनाएं और यूज़ मैनी टाइम्स। यहाँ पे एग्जांपल तो देखा है, पर्सनल डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं हमारे डाटाबेस को, अकाउंट डिपार्टमेंट हमारे यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस को, और लोन डिपार्टमेंट भी। अगर बैंक की बात करते हैं तो बैंक के अंदर क्या है, हमारा डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहे हैं और लोन डिपार्टमेंट सेम डाटाबेस को यूज़ कर रहा है। मिनिमम डाटा रिडेंसी इन द इवेंट ऑफ रिक्वायरिंग द सेम डाटा फील्ड इन सेवरल टेबल्स द डाटा माइट बी गेट रिपीटेड नंबर ऑफ टेबल्स। अगर एक ही डाटा जो है वो नंबर ऑफ फील्ड्स के अंदर अलग यूज़ हो रहा है तो वो रिपीट हो रहे हैं, दिस इज कॉल डाटा रिडेंसी। तो ये क्या हुआ, डाटा रिडेंसी हुआ। दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग DBMS। इस डाटा को रिड्यूस किया जाता है DBMS टूल के द्वारा, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम डाटा रिडेंसी को कम कर सकते हैं। डाटा कंसिस्टेंसी बाय मिनिमाइज डाटा रिडेंसी को मिनिमाइज करने का जो है वो डाटा कंसिस्टेंसी रहेगा। चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डाटा बींग स्टोर्ड इन रिड्यूस्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ शुड बी हैपन डेट अ स्टूडेंट नेम इज चेंज इन वन टेबल एंड नॉट इन अनदर टेबल। जैसे आपने अगर फ़ोन नंबर चेंज करवाया है, आपने क्लास इंचार्ज को फ़ोन नंबर चेंज करवा दिया है, क्लास इंचार्ज ने क्या किया है, अभी तक जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पास नहीं है, उसके पास आपका अपडेट फ़ोन नंबर नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंसी का हुई। तो डाटा कंसिस्टेंसी विद द हेल्प ऑफ डाटा कंसिस्टेंसी जो है इनकंसिस्टेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, सेंस डाटाबेस टेबल्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, सेविंग, रीडिंग एंड सर्चिंग डाटा कैन बी कैरिड आउट एफिशिएंटली। इंक्रीज एक्यूरेसी, अगर हम डाटाबेस को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर स्टोर करते हैं तो हमारा जो इंक्रीज जो है एक्यूरेसी, यानी कि रिजल्ट जो है एक्यूरेट रहेगा, हमारा कभी भी गलत नहीं होने की संभावना कम रहेगी, डाटा हमेशा एक्यूरेट ठीक रहेगा। इंक्रीज वैलिडिटी,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डाटा फील्ड्स कैन बी असाइंड व्हेन ए डाटाबेस इज प्लान. हम डिफरेंट टाइप की डाटा फील्ड्स को असाइन कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी असाइन कर सकते हैं. मान लो एज के अंदर दिया है कि एज जो है बच्चे की एडमिशन के टाइम में 5 साल से बड़ा होना चाहिए बच्चा, तो वहाँ पे हम डाटा फील्ड के अंदर एक वैल्यू डाल देंगे कि नॉट लेस देन 5 ईयर्स. तो वहाँ पे जो है एरर आने के चांस बिल्कुल, क्योंकि अगर 5 साल से कम वो वैल्यू डालता है तो वो इंसर्ट के टाइम ही क्या हो जाएगा, एरर शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल वी सेट एन रिस्ट्रिक्शन वाइल क्रिएटिंग द टेबल दैट द एज ऑफ स्टूडेंट बींग एंटर्ड शुड नॉट मोर देन 20, शुड नॉट बी मोर देन 20. तो यहाँ पर 18, 19, 20, 18, 20, 18. तो यहाँ पर क्या है, शुड बी मोर देन 20. तो यहाँ पर 20 से जो है बड़ा जो है शुड नॉट बी मोर देन 20, 20 ईयर से बड़ा जो है कोई भी डाटा फीड नहीं होगा. सिक्योरिटी, हम डाटाबेस के अंदर सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा वही हमारे डाटाबेस को यूज़ कर सकता है. अनऑथराइज्ड यूज़र कैन बी कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग पासवर्ड टू देम. अनऑथराइज्ड यूज़र के पास हम उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स. ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड. अगर यूज़र नेम पासवर्ड वो ठीक कहते हैं तो इसको परमिशन दी जाएगी, यानी वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे आप एटीएम कार्ड को यूज़ करते हो, एटीएम कार्ड पे जब भी आप एटीएम के अंदर अपने कार्ड इंसर्ट करते हो, डालते हो मशीन के अंदर, तो वो आपसे पिन नंबर पूछता है यानी पासवर्ड पूछता है. अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप उस अकाउंट को आगे मेंटेन या आगे उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते. डाटा मॉडल्स, डाटाबेस कैन बी असाइंड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द डाटा बींग स्टोर. डाटाबेस को जो है डिफरेंट वेज के मॉडल के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं. वो डिपेंड होता है कि डाटा किस तरह का आपने स्टोर किया है. द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज नोन एज डाटा मॉडल. तो स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का वो क्या कहलाएगा हमारा, डाटा मॉडल. डाटा मॉडल जो है डेट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द मैनर इन विच डाटा इज बीन स्टोर्ड एंड ट्रेड. डाटा मॉडल जो है वो उसको निर्धारित करता है कि किस तरह हम डाटा के अंदर डाटा को इनपुट कर सकते हैं, यानी स्टोर करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, और किस तरह रिट्राइव या निकाल सकते हैं उसको. ए डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर डिस्क्राइबिंग द डाटा. डाटा को डिस्क्राइब करेगा, रिलेशनशिप अमोंग देम, डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर रिलेशनशिप क्या रहेगा, और होल्ड वो डाटा को किस तरह होल्ड करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स हमारे पास हैं, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल. नेटवर्क डाटाबेस मॉडल के अंदर क्या है, स्टोर, क्लाइंट, कस्टमर, ट्रांसैक्शन और आइटम सभी एक दूसरे साथ में नेटवर्कड हैं, एक दूसरे साथ में अटैच हैं. रिलेशन डाटा मॉडल में अंदर कस्टमर जो है वो हमारा किस पे डिपेंड है, रिसिप्ट पे, स्टाफ जो है रिसिप्ट पे है, और रिसिप्ट जो है वो हमारा किस पे है, प्रोडक्ट पे, यानी कि सभी एक दूसरा रिलेशनशिप है. हिरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हो सकते हैं, और परमानेंट, तीन तरह एम्प्लॉय है. तो ये मेरा हिरेकल हो गया, ये यानी कि टॉप टू डाउन अप्रोच जो है इसके अंदर हुआ. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल, जैसे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या हो सकता है हमारा, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट एज. रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसका स्टूडेंट का नाम रहेगा. कोर्स के अंदर कोर्स का नाम होगा और उसका ड्यूरेशन होगी, किस बच्चे ने लिया एडमिशन. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल जो है हमारे नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे इनको. हिरेकल डाटा मॉडल, इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. हिरेकल मॉडल के अंदर डाटा जो है हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है. डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स. डाटा जो है हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है. ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड. रिकॉर्ड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है. एंड इट डाटा वैल्यूज, और उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज होगी. ऑल दिस रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, और सभी वैल्यूज जो है रिकॉर्ड्स एक दूसरे में लिंक होते हैं. नेटवर्क, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू द सेम मास्टर फाइल.
एक मास्टर फाइल होगी, उसी में सभी रिकॉर्ड्स जो हमारे लिंक होंगे। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इन्वर्टेड ट्री। लिंक लिस्ट जो है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये एक सभी फाइल जो है हमारे वो हमारे मास्टर फाइल के अंदर स्टोर होती है। नेटवर्क डाटा मॉडल, इन दिस मॉडल मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक टू सेम मास्टर फाइल, उसी मास्टर फाइल में रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज एन इन्वर्टेड ट्री वेयर मास्टर इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द ट्री। मास्टर जो फाइल है वो हमारी बॉटम ऑफ द ट्री के अंदर होती है एंड द ब्रांचेज कंटेन इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू द मास्टर फाइल। रिलेशन डाटा मॉडल के अंदर, द डाटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स। दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के आपस में रिलेशन अगर हो तो उसको हम कहेंगे रिलेशन डाटाबेस मॉडल। ये जो है रिलेशन डाटाबेस मॉडल जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट पॉपुलर यूज्ड डाटाबेस मॉडल है। रिलेशन डाटाबेस मॉडल जो है RDBMS कहते हैं इसको। रिलेशन RDBMS जो है ये प्रपोज किया था EF कोड ने इन 1970 के अंदर। EF कोड ने जो है इसको प्रपोज किया था और इसकी काफ़ी थ्योरी भी है। द डाटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स मेड अप ऑफ रोज। डाटा एलिमेंट्स जो है वो स्टोर होता है डिफरेंट टेबल्स के अंदर और डिफरेंट रोज और कॉलम्स होते हैं। रिलेशन डाटाबेस टर्मिनोलॉजी, लेट अस गेट फेमिलियर विद सम कॉमन टर्म्स यूज इन DBMS और RDBMS। रिलेशन डाटाबेस में जो मोस्ट कॉमन टर्म जो एंटिटी, सबसे पहले एंटिटी वर्ड जो है वो RDBMS का मोस्ट पॉपुलर वर्ड है। एंटिटी, इट इज़ अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, इट इज इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटिटी स्टूडेंट, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है एंटिटी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की एंटिटी क्या हो सकती है? एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, दीज आर द डिटेल्स। ये डिटेल्स से कुछ जो एंटिटी स्टूडेंट की एंटिटी हो सकती है आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और ये जो कहेंगे एट्रीब्यूट्स। यानी कि अगर हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट किया। स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, और एक कोर्स टेबल है। कोर्स टेबल में हमारे पास दो एंटिटी हैं, यानी दो एट्रीब्यूट्स हैं। कोर्स एंटिटी के अंदर दो एट्रीब्यूट्स, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। टेबल RDBMS का या डाटाबेस मॉडल का सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्ड जो है वो टेबल रहता है। टेबल क्या होता है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। जहाँ तक आपने अभी तक देखा है, जो हम रिजल्ट क्रिएट करते हैं या आपके अटेंडेंस शीट पे जो आपके जो लेते हैं, वो सभी हम टेबल्स बनाते हैं। तो इट इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कॉलम्स, उसमें कॉलम्स क्रिएट किए जाते हैं काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपके नंबर ऑफ रोज होती है। द एम्प्लॉय टेबल कैन हैव कॉलम्स नेमली नेम, डेजिनेशन, डिपार्टमेंट एंड हैव रिकॉर्ड्स ऑफ हैविंग डाटा ऑफ 100 एम्प्लॉयज़। अगर हमारे पास एम्प्लॉय टेबल हो तो उसमें हम डिफरेंट जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट में स्लाइड्स में दिखाएंगे टेबल कैसे होते हैं। फील्ड और कॉलम, फील्ड जो और इज द और कॉलम जो है इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है वो हमारी क्या रहेगी? फील्ड। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक ए रिकॉर्ड, और नंबर ऑफ फील्ड जो एक साथ कलेक्ट होती है उसको हम कहेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमेशा यूनिक रहता है, किसी एक पर्सन का उस तक कंप्लीट एक रिकॉर्ड रहे हो। फील्ड आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड आर प्रेजेंटेड एज कॉलम विद अ टेबल। डाटा वैल्यू आर स्टोर्ड इन डाटाबेस एज फील्ड। टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल प्रॉपर्टीज क्या है? अब स्टूडेंट जो है वो हमारा एक टेबल का नाम है, और एट्रीब्यूट्स या कॉलम नेम कौन कौन से हमारे पास? रोल नंबर, नेम, फोन नंबर। और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है हमारा? एक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यू जो है वो हमारा क्या है? जोहन, पार्कर, आर्यन, ये हमारे क्या है? एट्रीब्यूट्स। कंप्लीट
रोल नंबर 1 LX44123, ये क्या है हमारा कंप्लीट, एक टप्पल कह सकते हो इसको, रो कह सकते हो, रिकॉर्ड कह सकते हो इसको, एक टप्पल जो है वो एक एलेक्स का टप्पल क्या है, एलेक्स का उसका रोल नंबर, नेम और फोन नंबर शो करता है, वो हमारा क्या है टप्पल। डाटा वैल्यूज आर द रो डाटा रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक करेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक। डाटा वैल्यूज जो है वो हमारी रिप्रेजेंट की जाती है नंबर में हो सकती है, यानी कि 0 to 9 हो सकती है, करेक्टर यानी कि A to Z स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर हो सकते हैं, हमारा 0 to 9 भी करेक्टर हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि उसके अंदर क्या है अल्फा न्यूमेरिक यानी HR20 क्या है, HR जो है हमारा अल्फाबेट है, 20 हमारा नंबर है, तो HR20 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर भी हमारा डाटा की वैल्यू हो सकती है। रिकॉर्ड और रो, डाटा वैल्यू ऑफ ऑल फील्ड रिलेटेड टू ए सिंगल पर्सन इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जब हमने बात की लास्ट टॉपिक के अंदर कि एक रिकॉर्ड जो है, अगर मान लो उसमें एलेक्स है, रोल नंबर 1 एलेक्स और उसका फ़ोन नंबर रखा है, तो कंप्लीट क्या हुआ, एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होल्ड द वैल्यू ऑफ ऑल द फील्ड ऑफ ए सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट इन ए टेबल। ए रिकॉर्ड जो है वो डाटा वैल्यूज होगी ऑफ ए सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन की जो है कंप्लीट डिटेल होती है। रिलेशन डाटाबेस टर्मिनोलॉजी, प्राइमरी की, जब टेबल जो हम क्रिएट करते हैं टेबल के अंदर एक जो कॉलम है वो हमारा क्या होता है प्राइमरी होता है। प्राइमरी की कौन सी की होती है, प्राइमरी की और सिंपल एक की इज ए फील्ड डैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल। प्राइमरी की एक वो वैल्यू, वो फील्ड है जो उस कंप्लीट रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे रोल नंबर जो है वो किसी भी बच्चे का रोल नंबर जो है वो यूनिक रहता है, तो यूनिक जो हमारा वैल्यू है वो हमारी प्राइमरी की कह सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर जो है कभी भी सेम नहीं हो सकता विद इन क्लास। द की आइडेंटिफाई कैन बी ए वैल्यू ऑफ ए सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। तो की है जो हमारी प्राइमरी की है वो सिंगल कॉलम की हो सकती है और मल्टीपल कॉलम की हो सकती है। ए प्राइमरी की इज़ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टेबल। प्राइमरी की जो है यूनिक आइडेंटिफाई करती है किसी एक रो को उस विद इन द टेबल। द कॉलम और कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स द फॉर्म द प्राइमरी की हैव द यूनिक वैल्यूज। एक कॉलम हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ कॉलम हो सकता है जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, वो हमारी प्राइमरी की कहलाती है। डिफरेंट कीज, प्राइमरी की जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, आईडी में लिखा हुआ है 1 2 3। अब स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है, यानी कि ये की जो है कहीं पे भी नेक्स्ट नहीं आती। और कैंडिडेट की कौन सी है, यानी सभी कैंडिडेट की है जो हमारी रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 है, रोल नंबर जो है वो हमारे सेम नहीं हो सकते, यानी कि 11 12 13, और ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती, तो हमारी ये कैंडिडेट की कहलाती है। अल्टरनेट की, अल्टरनेट की क्या है भाई, रोल नंबर प्लस ईमेल आईडी जो है वो हमारे अल्टरनेट की बना उसको मान सकते हैं। रिलेशन डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। फॉरेन की, इफ ए फील्ड और ए कम्बिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ वन टेबल कैन बी यूज्ड यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल। अगर इस एक टेबल में कोई फील्ड है वो दूसरे टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो वो हमारी फॉरेन की कहलाती है। कैंडिडेट की, ऑल द फील्ड्स वैल्यू डाटा एलिजिबल टू बी प्राइमरी की आर द कैंडिडेट की फॉर डैट टेबल। अगर हमारे पास प्राइमरी की के अलावा कोई और की है जो प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की। सच फील्ड्स कैन नाइदर बी लेफ्ट नोर कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। कभी भी हमारी प्राइमरी की या कैंडिडेट की कभी ब्लैंक या डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्यों ब्लैंक या डुप्लीकेट होगी तो हम उसको रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हमारा रोल नंबर कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि रोल नंबर जो है वो हमारे एक प्राइमरी की है।
अल्टरनेट की, आउट ऑफ कैंडिडेट की, वन और टू आर मेड एज प्राइमरी की, एक या दो एट्रीब्यूट्स को रोज को मिला के हम प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, कैंडिडेट की कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी हमारे पास, लाइसेंस नंबर भी सेम नहीं हो सकता और पासपोर्ट नंबर भी क्योंकि सेम नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे प्राइमरी की बन सकते हैं। इसको यूनिक की भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या है, हमारी प्राइमरी की मानी गई, जबकि एम्प्लॉय जो नेक्स्ट टेबल जो है हमारे पास सैलरी टेबल जो है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारी क्या है, यहाँ प्राइमरी की है, तो वहाँ वो क्या कहलाएगी, एम्प्लॉय आईडी वो हमारी फॉरेन की कहलाती है। आरडीबीएमएस रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक डाटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आरडीबीएमएस रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डाटाबेस सिस्टम के अंदर इज स्ट्रक्चर डेट इज यूज टू स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट या डिस्प्ले कर सकते हैं और रिट्राइव डाटा को रिट्राइव निकाल सकते हैं डाटाबेस से। इनफैक्ट ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स डेट वर्क ऑन मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा रिलेटेड टू ईच अदर। डाटा आरडीबीएमएस में क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स ज़्यादा हो जाएंगे, वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन डाटाबेस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, टेबल होंगे जो हमने लास्ट अभी पढ़े हैं, टेबल्स रोज एंड कॉलम्स, प्राइमरी की यूनिक की जो होती है हमारी फॉरेन की है टेबल्स के अंदर होती है, फॉर्म्स क्वेरीज रिपोर्ट्स। टेबल एज मेंशन बिफोर, आपको पहले ही बताया गया, टेबल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ डीबीएमएस। टेबल जो है बेसिक यूनिट रहेगी हमारी डीबीएमएस की एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। द डाटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन टेबल, डाटा जो है पहले स्टोर किया जाता है टेबल्स के अंदर जो कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। कॉलम जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है एक फील्ड को, यानी कॉलम जो हमारा चाहे वो रोल नंबर रहा हो, नेम रहा हो, वो हमारे फील्ड नेम है, और एन एट्रीब्यूट्स विद इन ए रो रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, और विद एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो उस पर्टिकुलर रो के अंदर वो रिप्रेजेंट करेंगे एक रिकॉर्ड को। फॉर्म इज ए फीचर, फॉर्म एक फीचर है और डाटाबेस का है। विद द यूज ऑफ फॉर्म्स वी कैन एंटर डाटा इन टेबल इन ए ईजी एंड यूजर फ्रेंडली मैनर। अगर हम डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डाटा स्टोर करना होता है उसको और ज़्यादा इजीली जो है विद द यूज़ ऑफ फॉर्म का यूज़ करके हम डाटा के अंदर डाटा बेस टेबल के अंदर डाटा को आसानी से स्टोर करवा सकते हैं। फॉर्म इज ए फीचर, फॉर्म एक फीचर है जिसके हेल्प से हम डाटा के अंदर टेबल डाटाबेस के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को आसानी से इंसर्ट करवा सकते हैं। अब जैसे आपके सामने डाटाबेस का टेबल जो दे रखा है फॉर्म के तौर पे, नेम है, फादर नेम है, एड्रेस, सिटी, जेंडर, कोर्स, तो इन सभी को हम वन बाय वन जो इंसर्ट करेंगे और लास्ट में ओके कर देंगे, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है हमारा डाटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है इजीली और यूज़र फ्रेंडली रहता है। यूज़र फ्रेंडली मतलब हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर सकता है। जैसे आपने अभी तक ईमेल आईडी बनाई होगी, ईमेल आईडी में क्या करते हैं आप लोग, ईमेल आईडी जब भी क्रिएट करते हैं तो वो फर्स्ट नेम पूछता है, लास्ट नेम पूछता है, ईमेल आईडी डिजायर्ड ईमेल आईडी क्या है आपकी, फ़ोन नंबर क्या है आपका, जेंडर क्या है, तो वो हमारा एक फॉर्म एंट्री है डाटाबेस के अंदर, फॉर्म एंट्री होती है और इसको हम आसानी से यूज़र जो है फ्रेंडली जो रहता है वो हमारा, तो ये हमारा एक फॉर्म एंट्री आपका एग्जाम्पल के तौर पर ईमेल आईडी का बताया गया आपको। क्वेरी, क्वेरी क्या होता है, क्वेश्चन, ए क्वेरी यूज टू रिट्राइव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। क्वेरी क्या है, डाटाबेस के अंदर से डिजायर्ड जो आपको इन्फॉर्मेशन डिजायर है, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी को निकालने के लिए हम उसको डाटाबेस के फॉर्म के अंदर क्वेरी वर्ड यूज किया है, मतलब जो हमारी टर्मोलॉजी जो है वो क्वेरी वर्ड कहती है। भी डाटाबेस के अंदर आपको रिट्राइव को रिकॉर्ड करना है और एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं क्वेरी। सिंपली आप क्वेरी कह सकते हो, इट इज़ ए क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से क्वेश्चन अराइज करते हो उसको हम कहते हैं क्वेरी। रिपोर्ट, द आउटपुट ऑफ ए क्वेरी मे बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। आउटपुट होता है कोई क्वेरी का, कोई भी क्वेश्चन का जो आउटपुट रहेगा वो हमारा डिस्प्ले होता है रिपोर्ट्स के अंदर। द यूजली
द यूजुअल द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. हमारा जो भी आउटपुट रहेगा वो हमारा किसी फॉर्म में होगा, रोज एंड कॉलम के अंदर. बट इफ़ यू वांट द रिपोर्ट टू बी फॉर्मल इन प्रॉपर लेआउट, अगर हम चाहते हैं उसको फॉर्मल हो, कुछ प्रॉपर लेआउट में तैयार हो, जो हम चाहते हैं भाई इस तरह से तैयार हो, हमारी कोई अलग से रिक्वायरमेंट रही हो, तो उसके अंदर भी हम वो तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स. तो डीबीएमएस हमने पढ़ा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस हमने पढ़ा, साथ में रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों चीज़ें हमने पढ़ी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी. अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन अरेज होता है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करें. थैंक्स.